हेटर्स ने अब उंगली उठाने शुरू कर दी है, वो भी मुनावर फारूकी पे। मुनावर फारूकी हेटर्स को किसी को भी एक पॉइंट नहीं देते हैं कि मुनावर फारूकी के खिलाफ कोई उंगली उठा पाए, पर अब एक छोटी सी बात के लिए, एक छोटी सी चीज़ के लिए हेटर्स जो है तरस रहे थे और उनको अब ये बात मिल चुकी है। उनका कहना ये है कि मुनावर फारूकी अब जानबूझ के ये लड़ाइयाँ कर रहा है, क्योंकि वीकेंड के वार पे सलमान खान ने बोला था कि मुनावर ऐसा लग रहा है कि विक्की के साथ आप बाहर से बात करके आई हो। तो इसके बाद जो है इसको अचानक कॉफ़ी का भी ध्यान आ गया, इसने जाके कॉफ़ी निकाल भी ली, इसको कॉफ़ी मिल भी गई, इन्होंने लड़ाई भी कर ली है। तो ये चीज़ें जो है वो हेटर्स बोल रही हैं कि भाई ये सब चीज़ें जानबूझ के कर रहा है, क्योंकि सलमान खान ने बोला है और कुछ सच वच नहीं है। भाई सच क्यों नहीं है? वीकेंड का वार क्यों होता है? सलमान खान असलियत सामने लेके आते हैं और विक्की पीठ पीछे मुनावर के बहुत सारी चीज़ें करता है, पर मुनावर ने विक्की के पीठ पीछे आज तक कोई भी बात बोली नहीं थी। पर अब जब सलमान खान ने इतना ज़्यादा समझाया, जब लोगों का ऐसा रिएक्शन आ रहा है कि हाँ मुनावर अभी जो है बहुत भाईचारा दिखा रहा है, तो मुनावर ने अपना स्टैंड लेना चाहा और अपना स्टैंड लिया और गेम खेली। और वैसे भी जब सलमान खान बोल के जाते और समझदार बंदा, समझदार कंटेस्टेंट उस चीज़ को समझता है और मुनावर ने भी समझा और उसके ऊपर अमल किया, तो इसमें गलत क्या है? ये मेरा कहना है उन हेटर्स को जो कि मुनावर फारूकी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। अगर आप मुनावर फारूकी की जनता हैं तो आप भी उनको जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत। नमस्कार।